प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के दौरे पर है। नागरिकता संशोधन एक्ट लागू होने के बाद जो विरोध हुआ था उसके बाद प्रधानमंत्री का ये पहला पूर्वोत्तर दौरा है। हाल ही में हुए बोडो समझौतों को लेकर कोकराझार में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भाग लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने यहाँ जनसभा को भी संबोधित किया। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। इस दौरान वो रक्षा कारोबार समुद्री सुरक्षा सहयोग समेत कई अहम मसलों पर बातचीत करेंगे। उनका धार्मिक स्थलों वाराणसी सारनाथ बोधगया और तिरुपति भी जाने का कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस ने किसान जन जागरण अभियान की शुरुआत की है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अभियान की शुरुआत की है। जानकारी देते हुए ट्वीट किया उन्होंने योगी सरकार पर निशाना भी साधा। प्रियंका ने कहा कि देश का अन्नदाता हमारी प्राथमिकता है। प्रियंका ने कहा यूपी की बीजेपी सरकार ने किसानों के साथ हर मोर्चे पर छल किया है। आज किसान को फसल का दाम नहीं मिलता, खेती की लागत बढ़ गई है, आवारा पशु किसान की फसलें तबाह कर देते हैं, लेकिन किसान को कोई मुआवजा तक नहीं मिलता। कांग्रेस पार्टी इस पूरे अभियान के जरिए किसानों के हक की आवाज को मजबूत करेगी। लखनऊ में आयोजित एशिया के विशालतम रक्षा उपकरण प्रदर्शनी यानी डिफेंस एक्सपो में तीसरा दिन रक्षा सौदे का रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में 1.5 दर्जन से ज्यादा महत्वपूर्ण रक्षा करार हुए। इसमें रक्षा उत्पादकों के निर्माण संबंधी कई MOU साइन हुए। फरुखाबाद में 30 जनवरी को ऑपरेशन मासूम को यूपी पुलिस ने सफलतापूर्वक खत्म कर 23 बच्चों को बंधक बनाने वाले सिरफिरे सुभाष बाथम को एनकाउंटर में मार गिराया था। इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंधक बनाए गए 23 बच्चों के अलावा पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 60 लोगों को सम्मानित करेंगे। निर्भया के चारों दोषियों को अलग अलग फांसी देने वाली केंद्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टल गई है। मामले में अब अगली सुनवाई 11 फरवरी को दोपहर 2 बजे होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को नोटिस जारी कर कहा कि वे जल्द से जल्द अपने कानूनी विकल्प इस्तेमाल करें। 2 दिन पहले निर्भया के दोषियों को अलग अलग फांसी देने की केंद्र सरकार की मांग को दिल्ली हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया था। इसके बाद केंद्र ने हाईकोर्ट के फैसले को याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। शाहीनबाग में प्रदर्शनकारियों को हटाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में शनिवार को मतदान होने के चलते सुनवाई टाल दी है। कोर्ट ने शाहीनबाग में चल रहे धरना प्रदर्शन के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में शाहीनबाग के बंद पड़े रास्तों को खुलवाने की मांग की गई है। नवगठित राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अयोध्या में महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास से मुलाकात की। उनके साथ विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह पंकज भी मणिराम दास छावनी पहुंचे। बैठक में संत समिति के अध्यक्ष महंत कन्हैया दास, अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और रुदौली विधायक रामचंद्र यादव भी मौजूद रहे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज मंत्री नितिन गडकरी ने कुंभ मेले के पहले हरिद्वार मुजफ्फरनगर और हरिद्वार देहरादून राष्ट्रीय राजमार्गों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कैलाश मानसरोवर मार्ग को भी जल्द पूरा करने को कहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तराखंड के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ ही 4 धाम परियोजना की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय मंत्री ने सभी सांसदों के औली को विशेष रूप से विकसित करने पर जोर दिया। 3 साल पूरे करने जा रही त्रिवेंद्र सरकार अब इलेक्शन मोड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत 13 फरवरी को अपने सरकारी आवास पर एक सम्मेलन करने जा रहे हैं। इस सम्मेलन में सरकार के मंत्रियों और पार्टी के सभी विधायकों के साथ प्रदेश के विकास की भावी कार्य योजना को लेकर गहन मंथन होगा। मुख्यमंत्री हर विधायक से उनकी विधानसभा और जिले के विकास को लेकर फीडबैक लेंगे और विकास की गति में तेजी लाने के लिए सुझाव मांगेंगे। देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डिजिटल माध्यम से ई जीवन प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए IFMS सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया। इस सॉफ्टवेयर की सहायता से राज्य के पेंशन देश या विदेश कहीं से भी अपना ई जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करा सकेंगे। संभल के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष फिरोज खान एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं।
इस बार सपा जिलाध्यक्ष पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर रौब झाड़ते हुए नजर आए। नेताजी का पारा इस बात पर हाई हो गया कि उनसे कोई प्रशासनिक अधिकारी बाहर मिलने नहीं आया। दरअसल फिरोज खान तहसील परिसर में टूटी सड़कों और शहर की समस्याओं को लेकर अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जिलाध्यक्ष से कोतवाली प्रभारी से बदसुलूकी की, जिसको लेकर फिरोज खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एक पुराने मामले में अदालत के आदेशों की अनदेखी करना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई माननीयों पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। दरअसल तमाम नोटिस के बावजूद गैरहाजिर चल रहे पूर्व सांसद तबस्सुम बेगम मेरठ से बसपा के पूर्व विधायक चंद्रवीर सिंह और मेरठ निवासी राज्यसभा सांसद विजयपाल तोमर को मेरठ की एक कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। इसी के साथ एसएसपी मेरठ को आने वाली 20 फरवरी को इन सभी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। फरुखाबाद के मेलाराम नगरिया में गंगा समग्र ने गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों ने गंगा के लिए किए जा रहे सरकारी प्रयासों को सराहा। इस गोष्ठी में गंगा स्वच्छता अभियान में लगे कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के अध्यक्ष आशीष गौतम और जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने गंगा की विभिन्न विशेषताओं के बारे में बताया। मुख्य अतिथि श्री पंचदश नाम जुना अखाड़ा ने वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने कहा कि गंगा हमारे लिए केवल नदी नहीं है, गंगा की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। गंगा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सपना देखा है जिसे वो साकार करने में लगे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने बैंकों के 3592 करोड़ रुपए हड़पने के मामले में कानपुर की मल्टी नेशनल कॉमोडिट कंपनी फ्रॉस्ट इंटरनेशनल पर सिकंजा कस लिया है। सीबीआई ने जनवरी में कंपनी के कानपुर और मुंबई समेत देश भर में स्थित 13 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी ने कंपनी के संचालकों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। मिर्जापुर के बरौधा इलाके में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री रणदेव प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी सिंह ने अन्नपूर्णा राइस मिल में अचानक छापा मारा। इस दौरान राज्य मंत्री ने अपनी निगरानी में आपूर्ति निरीक्षकों से मिल में मौजूदा धान और चावल की बोरियों को अपनी मौजूदगी में गिनवाकर स्टॉक मिलाया। राज्य मंत्री द्वारा की गई अचानक कार्रवाई से हड़कंप मच गया। मेरठ के मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफिस के सीबीआई की टीम ने छापा मारा। छापेमारी के दौरान सीबीआई की टीम ने कमांडर बी वी प्रसाद रेड्डी से 9 घंटे पूछताछ की। सीबीआई पूछताछ के बाद रेड्डी को गाजियाबाद लेकर आ गई है। मेरठ के मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज में कमांडर रेड्डी पर ठेकेदारों ने भ्रष्टाचार और रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। 40,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में रेड्डी को सीबीआई कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जाएगा। विजिलेंस की टीम ने अल्मोड़ा के मुख्य शिक्षा अधिकारी जगमोहन सोनी को घूस लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया है, जिसके बाद जगमोहन सोनी की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। दरअसल सीईओ ने शिक्षक की जांच निपटाने के लिए रिश्वत मांगी थी। शिकायत की पुष्टि के बाद विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की और मौके पर सीईओ को उनके कार्यालय से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। सीईओ के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तलाशी में सोनी के घर से 1,93,000 रुपए की नकदी भी बरामद की गई। अधिकारी सोनी को सस्पेंड करने का शासन को ओर से आदेश आया है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा होमस्टे नियमावली में संशोधन किया गया है। अब बिना पंजीकरण के चल रहे होमस्टे पर जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान किया गया है। पर्यटन विकास परिषद द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार बिना पंजीकरण के संचालित होने वाले होमस्टे पर 10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा नियम के बन जाने के बाद अवैध रूप से संचालित किए जाने वाले होमस्टे के खिलाफ कार्यवाही भी होगी। यही नहीं, नियमों का पालन न करने पर दोषियों पर पुलिस कार्रवाई का प्रावधान भी किया गया है। बलिया के प्राथमिक विद्यालय में जहां मासूम बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, वहीं उनके हाथों में शिक्षक ठेला खिंचवा रहे हैं। विद्यालय में पढ़ने आए 5 मासूम छात्रों से शिक्षक ने विद्यालय में 1 किलोमीटर की दूरी तक ठेला पर खिंचवाया। इस मामले का वीडियो वायरल हो रहा है। मुजफ्फरनगर में बदमाशों ने किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। किसान की हत्या उस वक्त की गई जब वो अपने खेत में था। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चला है। भोपा थाना क्षेत्र पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है।
बहराइच में संदिग्ध हालत में दो युवकों की मौत हो गई है। एक युवक का शव जली हुई हालत में मिला है, वहीं दूसरे युवक के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। साथ ही दोनों की मोटरसाइकिल भी जली हुई मिली है। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि दोनों मृतक शामली और स्ट्राशवी के रहने वाले थे। महोबा में पिछले कुछ दिनों में डायरिया के 80 से ज्यादा लोग शिकार हो चुके हैं। जिला अस्पताल में दिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालात पर काबू पाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाया है। आगरा के रामबाग चौराहे पर मामूली विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई है। ट्रक और टेम्पू में भिड़ंत के बाद दोनों चालकों के बीच सड़क पर जमकर मारपीट हुई। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आजमगढ़ के देवगांव कोतवाली क्षेत्र में दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। यही नहीं, हत्या के बाद पति ने अपने ससुर को फोन कर कहा तुम्हारी बेटी का काम हो गया, जिसके बाद मृतक के मायके में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पति सहित तीन को हिरासत में लिया है। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद इलाके में पालतू कुत्ते को ले जाने के विवाद में चार दबंगों ने एक महिला की पीट पीट कर हत्या कर दी, जिसके बाद मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। आगरा के सिकंदराबाद इलाके में बदमाशों ने एक वकील को अगवा कर 50 लाख फिरौती की मांग की है। यह वकील फिरोजाबाद का रहने वाला था। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है। सहारनपुर में पुलिस और दो बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाश पठानपुरा के प्रधान शहीद के लूट की घटना को अंजाम देकर भाग रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके चलते जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो फायरिंग करते हुए एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि दूसरा भागने में कामयाब रहा। मिर्जापुर के कछवा में 3 दिवसीय किसान मेला का आगाज हुआ है। मेले का उद्घाटन कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया। इस कार्यक्रम में कुछ किसानों ने हंगामा किया। इस दौरान किसान मंत्री से मिलकर उन्हें पत्रक देना चाहते थे, लेकिन जब कृषि मंत्री ने मंच से किसानों का पत्रक लेने लगे तो उसी दौरान किसानों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। किसानों का कहना था कि किसानों को खेती में कुछ नहीं मिल रहा है और सरकार भी उनके बारे में कुछ सोच नहीं रही है। जौनपुर के वाराणसी लखनऊ हाईवे के पास एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में एक प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में सवार 6 यात्री घायल हो गए हैं। सभी घायलों का इलाज निजी अस्पताल में करवाया गया है। देहरादून में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सोशल मीडिया की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्रदेश महामंत्री अजय कुमार ने दीप जलाकर किया। कार्यशाला में देहरादून जनपद के बीजेपी सोशल मीडिया के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यशाला में CAA को लेकर प्रदेश भर में चलाए गए बीजेपी के अभियान को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई, जिसमें प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं में CAA को लेकर चलाए गए जागरूकता अभियान के बारे में बताया गया है। लखनऊ में रेलिंग तोड़कर कार पार्क में घुस गई। जानेश्वर मिश्र पार्क के पास यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि ड्राइवर नशे में था। गनीमत यह रही कि एयरबैग खुलने से कार सवार लोगों को मामूली चोटें आई हैं। गाजियाबाद में देर रात बर्निंग कार की घटना देखने को मिली। कार और ठेले की टक्कर से कार जलकर खाक हो गई। मामला गाजियाबाद के कौशाम्बी का है, जहां टक्कर के बाद कार में विस्फोट हो गया। सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। गाजीपुर के SP डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह पुलिसकर्मियों की फिटनेस को लेकर काफी सजग हैं। पुलिस लाइन की परेड में अपने अधिकारियों के साथ खुद SP भी दौड़े। SP डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह का कहना है कि पुलिस के लिए फिट रहना बेहद जरूरी है, तभी वो अपने कार्य को सही ढंग से संपादित कर सकती है। लखनऊ में स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने कोरोना वायरस से निपटने के इंतजाम का जायजा लिया। मंत्रालय की 3 सदस्यीय टीम ने एयरपोर्ट, लोकबंधु अस्पताल और KGMU का निरीक्षण किया गया। साथ ही डॉक्टरों को गाइडलाइन भी बताई गई। डॉक्टरों को सैंपल लेने पर बरतनी जाने वाली सावधानी के बारे में भी बताया गया। कोरोना वायरस को लेकर संभल में प्रशासन मुस्तैद दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य विभाग को भेजी गई सूची के अनुसार हाल ही में
चाइना से लौटे 5 संदिग्ध लोग सामने आए हैं, जिनको लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। वहीं विभाग का कहना है कि फिलहाल अभी तक किसी में कोरोना वायरस जैसे कोई भी लक्षण नहीं मिले हैं। एहतियात के तौर पर इन सभी लोगों की निगरानी की जा रही है। बिजनौर के एक मार्केट एरिया में घुसकर जंगली हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। हाथी सड़क पर खड़े लोगों के पीछे दौड़ने लगा तो लोगों ने भागकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद हाथी को पकड़ लिया। जौनपुर में एक ट्रक में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। स्थानीय लोगों की मदद से ड्राइवर को बचा लिया गया। मौजूद लोगों ने पुलिस समेत दमकल विभाग को घटना की सूचना दी। जब तक दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची तब तक ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था। मुरादाबाद नगर निगम ने डेयरी संचालकों को शहर के बाहर शिफ्ट होने का निर्देश जारी किया है। इसके लिए शहर में कुल 219 डेयरी संचालकों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। दरअसल आवासीय क्षेत्रों में डेयरी संचालित करने से शहर में जहां गंदगी का अंबार लगा रहता है, वहीं इससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुरादाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद है। हिस्ट्री शीटर बदमाश ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर एक होटल मालिक और कर्मचारियों के साथ मारपीट कर दी। बदमाश ने अपने गुर्गों के साथ होटल में खाना खाने आया था और इसी को लेकर होटल मालिक और उसमें नोकझोंक हो गई। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ में एक तस्कर घायल हो गया जबकि एक फरार हो गया। पकड़े गए तस्करों के कब्जे से पुलिस ने वाहन, तमंचा और कारतूस भी बरामद किया। वहीं फरार बदमाश की तलाश में कॉम्बिंग भी की जा रही है। घायल बदमाश के पास से पुलिस ने गाय काटने के उपकरण, एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किए। दिन निकलते ही पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़ के दौरान एक गौ तस्कर गोली लगने से घायल हुआ। पिथौरागढ़ के चंडाक में ट्यूलिप गार्डन बनाने की कवायद तेज हो गई है। उद्यान विभाग ने हॉलैंड से 9 प्रजातियों के ट्यूलिप मंगवाए हैं। विभिन्न रंगों के 25,000 ट्यूलिप का पहले प्रयोग के तौर पर प्लांटेशन किया गया है। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो इसके व्यापक स्तर पर लगाने की योजना है। चमोली में नंद्रप्रयाग के पास सड़क निर्माण के दौरान पहाड़ी के दरखसने से रास्ता जाम हो गया। भूस्खलन की चपेट में 2 घर और 3 वाहन भी आ गए हैं लेकिन कोई जानहानि नहीं हुई है। वहीं पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और मलबा साफ करने का काम किया जा रहा है। हल्द्वानी में हिंदुस्तान पेट्रोलियम द्वारा टैंकरों से तेल सप्लाई करने के मामले में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। खाद्य पूर्ति विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त रूप से कार्रवाई में एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम के टैंकर को सीज किया गया है। बताया जा रहा है कि तेल डिपो से निकलवाने वाला डीजल पेट्रोल यहाँ पूरी मात्रा में नहीं पहुंचता था। रास्ते में ही डीजल पेट्रोल की तस्करी हो जाती थी। लिहाजा स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद जब जिला प्रशासन ने छापा मारा तो रामपुर रोड बेल बाबा के पास प्रशासन और खाद्य पूर्ति विभाग को हजारों लीटर डीजल पेट्रोल की गड़बड़ी निकली, जिसके बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया और टैंकर को सीज करते हुए जांच कार्रवाई शुरू कर दी है। टिहरी में किसान एक बार फिर बैंक की धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की नागणी शाखा में फर्जी तरीके से किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर लोन बांटकर कमीशनखोरी का मामला सामने आया है। बैंक प्रबंधन ने पिछले कई सालों में गरीब और अनुसूचित जाति के लोगों को जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर अनुदान के नाम पर कृषि ऋण के जाल में फंसा दिया है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब कई साल बाद बैंक में ऋण वसूली के नोटिस किसानों को मिलने लगे। एक बार फिर अंडर 19 विश्व कप पर कब्जा जमाने के इरादे से भारतीय टीम रविवार को मैदान पर उतरेगी और उसके सामने बांग्लादेश की चुनौती होगी। बांग्लादेश ने गुरुवार को मजबूत टीम न्यूजीलैंड को मात देकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने हार्दिक पांड्या की जगह टीम इंडिया का हिस्सा बने ऑलराउंडर शिवम दुबे को सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी शिवम दुबे टीम इंडिया में परफॉर्म करने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए। फिल्म मेकर विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म शिकारा रिलीज हो गई है। इसमें आदिल खान और सादिया मुख्य किरदार में नजर आ रहे हैं। फिल्म की कहानी उन हजारों कश्मीरी पंडितों पर है जिन्हें आतंक का शिकार होने के बाद कश्मीर छोड़ना पड़ा था। उन्हें
उम्मीद थी कि वे जल्द ही अपने घरों में दोबारा से उसी तरह रह पाएंगे जैसे दशकों से रहते आए हैं थे। विकी कौशल की अपकमिंग फिल्म भूत पार्ट वन द हॉन्टेड शिप को लेकर जबरदस्त बस बना हुआ है। फिल्म के ट्रेलर को भी दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिला है, लेकिन खुद विकी कौशल ने के लिए ये फिल्म करना कितना मुश्किल था, विकी कौशल इसे अपनी चैलेंजिंग फिल्मों में से एक मानते हैं। कार्तिक आर्यन इन दिनों सारा अली खान के साथ उनकी अपकमिंग फिल्म लव आजकल के लिए प्रमोशन में लगे हुए हैं। फिल्म के प्रमोशन के लिए सारा अली खान और कार्तिक आर्यन द कपिल शर्मा शो पर भी पहुंचे। इस बीच उन्होंने कपिल शर्मा कार्तिक आर्यन को एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह को गोद में उठाने का चैलेंज दिया, जिसे कार्तिक ने पूरा तो कर दिया, लेकिन उसके बाद वो शो के सेट पर ही गिर गए।